मुझे कुछ 2015-16 से 2015-16 से ये आँख राइट साइड के पोर्शन में प्रॉब्लम आया, जिसमें आँख टिचिंग होती थी आँख के पास, और इवन ज़्यादा देर तक करने के बाद ये आँख बहुत छोटी हो जाती थी, मतलब इवन बंद ही हो जाती थी। सेकंड उसके थोड़े दिन दो तीन साल के बाद ये और बढ़ता गया, और ये जो चेहरे का राइट पोर्शन है मुंह के पास ये ऐसा खींचने लगा, और ये जो है इसके कारण ऐसा टेढ़ा मुंह होने लगा मेरा, और टेढ़ा होने के साथ मेरे फ्रेंड भी बोलते थे कि ये आपका मुंह टेढ़ा हो गया, और आँख लेडीज वगैरह से मेरा जो कन्वर्सेशन होता था वाइफ स्टाफ की, तो कहती थी कि सर आप ये आँख क्यों मार रहे हैं इस टाइप का, तो मेरे को बहुत ऑड लगता था, और लगने के साथ मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता था इस चीज के उसमें। तो मुझे ये लगता था कि ये सोल्यूशन निकलना चाहिए इसका इमिडिएटली। मैं इसके लिए जो है जबलपुर मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सजेस्ट कुछ टैबलेट्स वगैरह दी, उन्होंने MRI करवाया मुझे और बताया कि 7th और 8th नर्व जो है टाइनी लूप शो कर रही है आपको। मैंने वो MRI वगैरह करके जबलपुर ना दिखा के फिर मैं नागपुर गया, नागपुर में डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि अभी आप पहले बोटॉक्स के इंजेक्शन जो है उसमें लीजिए, और कुछ 25 कुछ उसकी क्वांटिटी थी, तो वो उन्होंने बोला कि आप चेहरे पे लीजिए, ये होल्ड करता है करीब 3 से 6 महीने तक। परंतु जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया तो वो मुश्किल से 15 या 20 दिन ही चला मेरा। फिर सेकंड उन्होंने मुझे 2-3 महीने बाद बुलाया, फिर से मैं सेकंड बार भी गया, उन्होंने फिर बोटॉक्स किए, बोटॉक्स इंजेक्शन जब दिया तो उस टाइम भी 15 या 20 ही दिन रहा। मैंने उनसे पूछा कि इसकी कुछ परमानेंट इलाज बता दीजिए मुझे, कि मतलब ऐसा परमानेंट कुछ हो जाए, तो कहते वो तो सर्जरी है, और सर्जरी के बगैर जो है ये पॉसिबल नहीं है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाए इसका, आप प्रोग्राम कर लीजिए मैं बताता हूँ यदि कुछ प्रोग्राम करना है तो। फिर हम नागपुर से लौट के आए, फिर हमारा एक टूर लगा मद्रास का चेन्नई का, तो चेन्नई गए तो चेन्नई में जो है डॉक्टर को दिखाया, हमने कहा कि हो सकता है आँख का कुछ प्रॉब्लम हो मेरा या कुछ इस टाइप का, जो उन्होंने बताया कि नहीं आपका कोई आँख का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है आपका कुछ चेहरे का इम्प्रेशन का है, कुछ ब्रेन का ही प्रॉब्लम लग रहा है। तो उन्होंने इंश्योर किया, और उन्होंने भी कुछ मतलब ऐसा कन्फर्म करने के बाद छोड़ दिया कि भाई आप हमारी तरफ से नहीं है, आँख का प्रॉब्लम नहीं है ये। फिर हम काफ़ी मतलब परेशान हुए ऑफिस में भी, मेरे मतलब जो कलीग्स थे मेरे बॉस थे उनसे बात करने में मुझे काफ़ी और लगता था, 2-2 मिनट में मुझे जो है ऐसा लगता था कि उनसे मैं आँख ही नहीं मिला पा रहा, सामने मतलब कन्वर्सेशन नहीं हो पाता था। सोशल डिस्टेंसिंग में ये हो गया कि मैं सोशल कहीं कोई गैदरिंग में जा ही नहीं पाता था, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मैं अपनी किसी फैमिली में मैरिज वगैरह होती थी उसमें भी नहीं जा पाता था, सिर्फ इसी के कारण कि मैं कैसे फेस करूँगा ये प्रॉब्लम। तो फिर हम लोग यूट्यूब से जो है मेरी वाइफ ने ये सब रिसर्च किया, फिर ये काफ़ी हम लोग ने जो है रिसर्च किया, और वाइफ मैं मेरा बेटा सभी ने मतलब देखा कि डॉक्टर से बात करी, फाइनली जो है मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया कि डॉक्टर है पुणे में, डॉक्टर जयदेव पंचवाघ साहब, एक डेडिकेटेड सेंटर है जिनका यहाँ पे पुणे में, और ये सर्जरी द्वारा ये इसका रेमेडी है, और ये उनकी जो ये सर्जरी है वो काफ़ी केसेस हो चुके हैं उनके और सब सक्सेसफुल रहे हैं। तो हम लोग ने उन डॉक्टर साहब से जो है वीडियो कॉल पे अपॉइंटमेंट लिया, और उनसे अपॉइंटमेंट लेके और हमसे एक शॉर्ट वीडियो भी मंगवाया था, उन्होंने देखा हमसे बात करी और कहते हैं निश्चित तौर पर ये ठीक हो जाएगा, आप आ जाइए प्लान करिए सर्जरी का और कंफर्म करिए हमको डेट, तो उस हिसाब से हम इसको सर्जरी जो है करेंगे और निश्चित तौर पर आपका ये जो गलवन है वो निकल जाएगा। फिर हमने अपॉइंटमेंट लिया और 23 जुलाई का हमको अपॉइंटमेंट सर्जरी का मिला, जिसमें हमको बोला गया कि आप 2 दिन पहले आ जाइए और रिपोर्ट करिए पहले हमको, उसके बाद कुछ टेस्ट थे ब्लड टेस्ट का MRI था, ये सब करवाने के बाद हमने 22 को हम एडमिट हुए, और एडमिट होके 23 को जो है ऑपरेट किया गया इस पोर्शन को राइट साइड का जो हेमिफेशियल स्पास्म का जो वो था प्रॉब्लम। तो 23 के बाद जब 4 या 5 घंटे बाद जब मेरे से डॉक्टर साहब ने इंटरेक्शन किया तो उस टाइम ये प्रॉब्लम बिल्कुल टोटल चला गया विद इन मतलब हाफ एन आवर आफ्टर सर्जरी।
परंतु मेरा हेमिफेशियल का जो प्रॉब्लम था वो टोटली निकल गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज करीब करीब मुझे 15-16 दिन होते आ रहे हैं और मैं अभी डॉक्टर साहब के पास फाइनली मिलने आ रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस जौनपुर लौटना है। यदि वो परमिट करते हैं डॉक्टर साहब तो मैं उसके लिए जो है अभी मतलब बाई फ्लाइट जो है जौनपुर पहुँच जाऊँगा और मैं डॉक्टर जयदेव पंचवाघ साहब को बहुत थैंक्स देता हूँ कि मेरी इतनी लंबी बीमारी जो है उन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म में जो है बिल्कुल ठीक कर दी और मुझे अब बिल्कुल बहुत रिलैक्स है। मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जब ब्रेन सर्जरी है ये बताया गया तो आपको निश्चित रूप से डर लगा होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर लगा। तो उस डर को आपने कैसे ओवरकम किया? एक्चुअल में जो मेरा एक फ्रेंड है जो रेलवे में ही है उसको भी ये प्रॉब्लम थी, वो मेरे कांटेक्ट में आया, उसने बताया सर आपको ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने क्या किया। तो मैंने उनको ये सब अपनी हिस्ट्री बताई तो उसने जो है सब लोग हम लोग ने मिलके डॉक्टर पंचवाघ साहब का पता चला उन्होंने तो कहते सर मैं मिल के आता हूँ साहब से पंचवाघ साहब से, तो वो मिलने आया यहाँ पे और देखा उसको बहुत विश्वास था कि मतलब यहाँ पे तो ये काम हो जाएगा। उसको भी यही प्रॉब्लम थी तो वो जो है उसने सर्जरी की डेट लिया और सर्जरी की डेट लेने के बाद उसको ऑपरेट किया। मैं उससे लगातार कॉन्टेक्ट में था और मेरे को डर तो था कि ब्रेन की सर्जरी हो रही है कैसे होगी, बहुत मन में डर था। सब दोस्तों ने भी मुझे बोला कि अरे ब्रेन की मत करवाओ, चलने दीजिए, ऐसे चलने दीजिए, कुछ नहीं होता है। परंतु मैंने कहा फाइनली जब उसको देखा फ्रेंड को कि उसका ठीक हो गया है ये सब, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मेरे को भी करवा लेना चाहिए और फिर मैंने डॉक्टर साहब से कन्फर्म किया और ये सर्जरी का प्लान करके ये सर्जरी करवाई।